फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना ब्लॉग कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करेंगे और आपको कुछ अलग नया देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई थी। मम्मी बैठी थी चेयर पे और मुझे बताते जा रही थी कि सारा सामान अरेंजमेंट एक जगह पहले इकट्ठा करो, उसके बाद फिर हम मिलके बनाएंगे बैठ के। तो मैं फिर सारा सामान जो गुजिया में लगता है, मैदा, चीनी, तेल और मतलब बुरादा, नारियल का बुरादा जो डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं उसको, तो वो सारा चीज़ मैं निकाल निकाल के मम्मी को देते जा रही थी। और ये मेरी छुटकू, देख लो इसको, ये भी बदमाशी कम करने में नहीं है, पीछे नहीं है। तो वही मम्मी बोल रही थी, ये बेलन से क्या करना है, बेलन से। तो फिर मैं सब सारा सामान देते जा रही थी। तो जो तेल है ना, थोड़ा सा इसमें मैदा में इसलिए डालते हैं कि मोयन हो जाता है और गुजिया बहुत अच्छा बनता है, मतलब उसका खस्तापन मतलब टाइप में अच्छा लगता है खाने में। तो वो ज़्यादा दिन तक ना टिका रहता है और अच्छा भी लगता है खाने में, टेस्ट उसका बढ़ जाता है। और फिर मैं, मम्मी ने आटा लगा दिया था, फिर लगा के मैं बेलती जा रही थी, मम्मी उधर बना के मतलब तैयार करते जा रही थी। दो आदमी, तीन आदमी अगर मिलके बनाए ना तो जल्दी हो जाता है। और मेरे मायके में जब भी हो ना, तो मम्मी और मैं, जब भी मैं मायके में आती हूँ तो मैं और मम्मी दोनों मिलके कुछ भी बनाना हो, जैसे कि छठ भी मम्मी मेरी करती है, तो उसमें भी हम दोनों मिलके मतलब उसका वो ठेकवा होता है और बहुत तरह का चीज़ जो पकवाने होती हैं, बनती हैं जो, तो मम्मी और मैं दोनों मिलके बना लेते हैं। मतलब ऐसे ही दोनों तीनों बैठ के अपना, मतलब मम्मी गीत भी गाती है और साथ साथ मैं भी मम्मी के साथ में बैठ के बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि टाइम भी जल्दी से निकल जाता है और पता भी नहीं चलता बातों बातों में, और हमारा ये तैयार भी हो जाता है। तो यही मम्मी से मैं बातें करते जा रही थी कि मम्मी कितना अच्छा लगता है ना, यही एक त्यौहार होता है और त्यौहार में हम लोग सब मिलके बैठ के, हम दोनों और भाभियाँ भी होती हैं वो भी बैठ के बनाते हैं। तो ये मैं जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो आप मम्मी कैसे भर रही है। तो इसको तो पहले स्टफ में पहले बीच में डाली, फिर किनारे में पानी डाली है, लगाई है थोड़ा थोड़ा फिंगर से, फिर उसको हाथों से ऐसे प्रेस कर दी है, मतलब कि जल्दी इसका स्टफ जो है ना निकले ना, फिर फोल्ड करके हाथों से फोल्ड ऐसे कर करके डिज़ाइन भी आ जाता है और सुंदर भी लगता है और जल्दी बन जाता है, मतलब हाथ से तो जल्दी ही बन जाता है। तो वही मम्मी बोली, मैं जूम करके आपको दिखा रही थी कि देख तो देखो आप कि कैसे ये बन रखा है। और ये देखो मैंने भी बनाया है, ये देखो कैसा अच्छा लगा ना। तो मैंने भी मम्मी से सीखा, तो वही मैं बनाते बना के दिखाते जा रही थी, बनाते जा रही थी। और ये इधर से मेरी छुटकू भी आई जा रही थी, ये देखो मुझे किस ले ली है, ये देखो देखो मम्मा मुझे किस लेना है, किस ले, और कहीं किस नहीं, पहले तो अपने गाल में, मेरे गाल में लेगी, फिर उसके बाद लिप्स पे लेगी, उसके बाद बहुत लाड प्यार करेगी, उसके बाद फिर ये जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लेगी तब जाएगी। ये देखो ये देखो ये देखो, फिर उसके बाद मैं फिर यहाँ पे किचन में आ गई थी इसको तलने के लिए, जो गुजिया मुझे बनाना था, बनाई जो थी मम्मी और मैं, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मेहनत बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें भी बनाने में, फिर अच्छा मतलब रिज़ल्ट भी अच्छा आना चाहिए। कुछ भी कोई भी चीज़ बनाओ उसका ना मतलब रिज़ल्ट अच्छा है ना, तो मन को अंदर से ना सुकून मिलता है कि यार चलो अच्छा बना है जो भी बना और अच्छा हुआ है। तो वो वही मैं आई थी तो यहाँ पे तल रही थी और मम्मी उधर वहाँ पे थोड़ा बचा था तो मम्मी बना रही थी। तो मैं तलते तलते तल भी रही थी और थोड़े से किचन के काम भी थे वो भी कर रही थी, दोनों साथ साथ ही कर रही थी। तो इसके बाद धीरे धीरे इसको ना मीडियम आँच पे मतलब फीट इसको फ्राई करोगे ना तो अंदर से भी ये पक जाएगा और बाहर से भी नहीं जलेगा, और तेज़ आँच पे अगर तेज़ फ्लेम पे इसको करोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा ना कि अंदर से तो कच्चा रह जाएगा और तो अभी बाहर से मेरी जल ये जाएगा। गुजिया रेडी भी हो गई, ये मैंने देखो फर्स्ट बैच निकाला तो कितना सुंदर कलर और लग रहा फिर है ना। साथ ही साथ मैंने चाय
और ये समोसा हस्बैंड लाए थे तो फिर वो सबको देने चले स्टार्ट हुआ, जो कि आपने देखा ही होगा कि गुजिया मैं और मेरी मम्मी कैसे बना रही थी। तो ये गुजिया बन के रेडी हो गई है, मैंने बनाया है, तो ये सबसे पहले आपके लिए, आप इसको टेस्ट बन के रेडी हो गई। मैं जा रही हूँ मार्केट। ओके फ्रेंड्स, मैं अब जा रही हूँ बाजार और आपको भी लेके चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं, मैं और मम्मी और ये मेरी छुटकू। छुटकू ऐसे नहीं करो, है ना, जा रहे हैं। उसके बाद तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ और ये जसनूर का ड्रेस लेना था मुझे, तो उसको मतलब ले ली थी मम्मी ने, तो चेंज कराना था मुझे क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया था, तो इसलिए मैं चेंज करा के फिर मैंने दूसरा ले लिया था। और फिर यहाँ फिर साथ ही साथ मैंने अपने बड़े वाले बेटे के लिए भी ले लिया था, टी शर्ट ही लिया था मुझे उसको। वो मम्मी वो कह रहा था कि मम्मी मुझे टी शर्ट पहनना है, मुझे गर्मी भी लगती है और गर्मी का भी मौसम आ गया था, तो इसके कारण। फ्रेंड्स, मैं बाज़ार से आ गई हूँ और मैंने क्या लाया है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैंने तो सबसे पहले ये अपनी बिटिया रहने के लिए ये लिया है। ये इसके साथ टी शर्ट है और ये इसके साथ पजामा, इसका पैंट, सॉरी ये पैंट है और ये इसका टी शर्ट। ये देखो, ये ऐसे में आएगा, है ना। और फिर मैंने अपने बड़े बेटे के लिए लिया है ये टी शर्ट है। गर्मियाँ भी आ रही है ना, तो बच्चों के लिए टी शर्ट ही नॉर्मल सही रहता है, वो इजी वे में पहन भी लेंगे कहीं आने जाने में भी। तो ये टी शर्ट लिया है और मैंने लिया है ये कुर्ती, ये वाइट कलर की कुर्ती, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये वाइट कलर की कुर्ती ले ली। इसका ये कॉटन में है, मतलब अच्छा लग रहा था मुझे ये वाइट कलर, तो ये लिया मैंने। और इसके साथ मैं वाइट कलर की ये चुन्नी ली है, सॉरी रेड कलर की, सॉरी फ्रेंड्स भूल जाती हूँ, तो ये रेड कलर की चुन्नी है। और ये रेड कलर का प्लाजो है, ये डॉट डॉट है इसमें, आपको दिख रहा होगा, इसका फैब्रिक में मतलब सॉफ्ट ही है। और फ्रेंड्स, और ये मैंने लिया है छोटू सा अपने लिए ये इयररिंग्स, कैसा लग रहा है बताना जरूर कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल मैंने इतना ही लिया है बस। और आपको ये मेरा शॉपिंग वीडियो कैसा लगा, मतलब होली का छोटू सा, ज़्यादा नहीं है, तो वो आपको कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज की वीडियो मैं बस अभी आई हूँ तो थक गई हूँ, और आज की वीडियो यहीं से एंड करते हैं। तो वीडियो अगर जरूर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और जाओ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। We'll be right back.